जगन्नाथ सेनार मुख्य श्री पिकु पट्टनायक भुवनेश्वर निरे रूपे प्रतिवाद आरंभ करिसंति। भुवनेश्वर कोर्ट सामने जोता सफा करी और भिक्षा मागी एक टंका लेखाए आदाय करिसंति। श्री जगन्नाथ सेना और आईनजीवी सुप्रीम कोर्ट रे 1,00,000 टंका दाखल करिबा पाई प्रतिवाद करिथिले। किछि दिन तले मान्यवर अदालत राय अनुसार जगन्नाथ महाप्रभु परिक्रमा प्रकल्प में कौन अनियमितता नहीं जो मैंने अजथा कोर्ट को नहीं समय नष्ट कले से 1,00,000 टंका जोरिमाना सहित मान्यवर कोर्ट भर्सना करते। यार फलस्वरूप श्री पट्टनायक मान्यवर कोर्ट को राय को मानवा सहित जोता सफा कर टंका अर्जन कर कोर्ट को देवे बोली श्री पट्टनायक किसी तथ्य मीडिया आगे रखिंट निर्माण और खनन को विरोध करके जो आंदोलन चलता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचला एवं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचला पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो राय देले ताको समस्त में मानने को बाध्य देशर नागरिक हिसाब से किंतु कथाटी होची 1,00,000 टंका के हजम हेलानी कारण सेठी राम मंदिर कथा सुना होची कुष्ठ मंदिर कथा सुना जाउची काशी विश्वनाथ सुना जाउची बाबरी मस्जिद कथा सुना जाउची एवं सुप्रीम कोर्ट रे विभिन्न कथा विभिन्न मंदिर बाबद सुनानी होची किंतु कोठी जोरिमाना आइनी ए जोरिमाना कोन पे हेला ए साहिब ओडिशा रे कहिला जे आमे किछि परमिशन देइनु दिल्ली रे कहिला जे आमर किछि आपत्ति नै यार कारण कोन आमे आजीवन जानि पेलुन तेनु जेतु जगन्नाथकर हात नै एवं जगन्नाथ पैसा देइ परिबे नै आमे सारा ओडिशा रे सब कोर्ट आगर जे जोता सफा करिवु या द्वारा सम्मान हानि होइ नै गे मु बैंड पिंदिनि या द्वारा काही सम्मान हानि होइ नै किछि किछि भुवनेश्वर विश्वजीत दास को रिपोर्ट।